अगर आपके पास पढ़ाई ना करने के 100 बहाने हैं ना, तो थोड़ा सा और सोचना, क्योंकि पढ़ाई करने के 1000 मकसद है। तो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज योर राइट टू स्टडी, आपका अधिकार, योर राइट टू गेट सक्सेस, पैसा कमाना, माँ बाप को अर्ली रिटायरमेंट देना, नाम कमाना, दूसरों से आगे बढ़ना, ये सब आपके अधिकार है जो आपको कोई नहीं बताता। अपने आप को अपने ही अधिकारों से क्यों दूर कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जियो, उस जिंदगी से बेहतर जो आपके माँ बाप ने आपकी खातिर मजबूरी में जी है? क्या आपका ये अधिकार नहीं कि उस इंसान को झूठा साबित करके दिखाओ जो बोलता है कि तू नहीं कर सकता? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपने आप को खुद की नजरों में प्रूफ कर पाओ कि मैं खुद अपना एक बेटर वर्जन तैयार कर सकता हूँ? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आपके पास भी कार हो, बंगला हो, सारी सुविधाएं हो, आप अपने माँ बाप की बुढ़ापे में अच्छी तरह केयर कर सको? और केयर करने के लिए आपको आज पढ़ाई के प्रति केयरलेसनेस से बाहर निकलना पड़ेगा। आज अगर आप केयरफुल बनोगे पढ़ने के लिए, तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। फाइंड आउट दैट वन एंड ओनली रीजन टू स्टडी। आज आप गरीब हो, स्टडी हार्ड। आज आपकी बात कोई नहीं मानता, स्टडी हार्ड एंड प्रूव योर नॉलेज। आज हर कोई आपका मजाक बनाता है, स्टडी हार्ड एंड बिकम पावरफुल। आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहना चाहता, स्टडी हार्ड एंड बिकम अ हार्ड पिलर सो अदर्स कैन टेक योर सपोर्ट टू स्टैंड। बी अ लीडर, एंड द लीडरशिप कम्स फ्रॉम नॉलेज, एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम उन किताबों से जो अभी धूल खा रही है आपके पास। दम लगा के पढ़ाई करो, चाहे वो कितनी ही इम्पॉसिबल लगे, चाहे उसमें आपका दिन का पूरा टाइम चला जाए, चाहे आज आपको रात भर जग के पढ़ाई करनी पड़े। वो जो सक्सेसफुल होने वाली फीलिंग है ना, उससे बढ़िया फीलिंग और कोई नहीं है। जब बंदा सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे उसकी कई रातों की, कई दिनों की, महीनों की, सालों की मेहनत होती है। फाइंड आउट योर रीजन टू स्टडी। क्यों पढ़ना है आपको? व्हाट इज द रीजन? मैं बताता हूं। जस्ट गेट अप एंड सी योर फेस इन मिरर। क्या दिखता है आपको अपने चेहरे पे? एक लूजर या एक जिद्दी? सुबह उठने में जिसको जोर आता है, या एक वो जिसके बारे में लोग सुबह उठते ही खबरें पड़ेंगे? आज आपको जो नजर आ रहा ना शीशे में, वही आप कुछ साल बाद में बनने वाले हो। ये चमत्कार है। आप जैसा अपने बारे में सोचते हो वैसा बन जाते हो। आप जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे, वैसे ही काम करोगे और वैसे ही बन जाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप सोचोगे कि यस मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मुझे किताबें उठाते ही नींद आती है, तो आपको पक्का नींद आ जाएगी। अगर आप सोचोगे कि मेरी जो रियल लाइफ है उसका सपना ज्यादा जरूरी है नींद वाले सपने से, तो आपकी नींद दूर दूर तक भाग जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ बिलीव। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। यू बिकम एज यू थिंक एंड डू। वो जो एक रीजन है ना आपका पढ़ने का, वो मोर देन सफिशियंट है आपको पढ़ाने के लिए, रात भर जगाने के लिए। एंड दैट इज राइट टू अचीव योर ड्रीम्स, आपके सपनों को पाने का अधिकार, जो आपके अलावा और कोई नहीं करके दे सकता आपको। हमेशा अपने आप से बोलो कि आज आपकी जो सिचुएशन है वो हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। अगर आप चाहोगे तो एक दिन आपका नाम अनाउंस किया जाएगा, एज ए स्कूल टॉपर, एज ए कॉलेज टॉपर, एज ए यूपीएससी टॉपर। कितना प्राउड होगा उस मोमेंट में जब आपके ड्रीम जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। आपके सक्सेसफुल होने पर वो जो खुशी होगी ना आपको और आपके परिवार को, दैट इज यूनिक। आपको एक अलग दुनिया दिखाएगी जब आप रात को देर तक पढ़ते हो, और जब आपको लगने लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, तब याद करो कि आज जो पढ़ना था क्या वो कंप्लीट हो गया? रूल्स फॉर सक्सेस आर वेरी सिंपल, हर कोई जानता है उनको। सिंपल है बट करना इजी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। इन लोगों की कैटेगरी से अलग सोचना है। इन लोगों से आप दूरी बना पाओ या ना बना पाओ, आप केवल वैसा सोचना बंद करो जैसा वो और सोचते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि यार कॉम्पिटिशन का लेवल हाई हो गया है, इट मीन्स आपको भी अभी स्मार्ट होने की जरूरत है, आपको भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, आपको भी अपने आप से ज्यादा मेहनत करवानी है। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है। अपने आप को वो ज्ञान देने के लिए हमेशा पुश करते रहो जो आपकी किताबों में है। जब पूरी दुनिया को ज्ञान से बदला जा सकता है, तो खुद की जिंदगी क्या चीज़?